मेरी डेली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया पूर में शादी वाला घर मातम कदम में तब्दील हो गया। गैस लीकेज से दुल्हा जान की बाजी हार गया। गीजर की वजह से वॉशरूम में गैस भरी और 22 साल नौजवान दम घुटने से अबदी नींद सो गया। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों के मुताबिक दुनियापुर में 22 साल दुल्हा गैस के बायस दम घुटने से जहां बक हो गया और साबका यूनियन नाजम के 22 साल नौजवान बेटे हुनैन की एक रोज कबल खानपुर के इलाके गढ़ी अख्तियार खान में शादी हुई और बारात 28 दिसंबर को खानपुर आई थी। याद रहे कि दम घुटने के बायस भी गुज़िश्ता दिनों जोड़े की मौत वाकई हुई थी और गुज़िश्ता हफ्ते ऐसा ही वाकया मानसेरा के इलाके में पेश आया जहां 9 बिहाता जोड़ा शादी की रात ही झांबक हो गया। बताया गया कि जोड़ा रात को हीटर लगाकर सोया। पहले खाना का कहना था कि सुबह जवाब ना मिलने पर दरवाजा तोड़ा तो दोनों की लाशें मिली और गुज़िश्ता हफ्ते ही ये जोड़ा शादी के बंधन में बंधा था। रात कमरे में हीटर लगाने से कमरे से ऑक्सीजन खत्म हो गई जिससे दोनों की मौत वाकई हुई। इससे कबल मरी में भी गैस हीटर जलाकर सोने वाला दूल्हा समेत 7 अफराद दम घुटने से जहांबक हो गए थे और मरी के इलाके कश्मीरी बाजार मोड़ा इस्वाल में नया शादीशुदा जोड़ा दम घुटने से जहांबक हो गया। काफ़ी सारे जोड़े इस तरह से जहांबक हो गए हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। अभी पिछले दिनों इंग्लैंड से दो बहनें आई थी पाकिस्तान में अपनी कोई सेलिब्रेशन वगैरह करने के लिए, तो वो भी जहांबक हो गई गैस हीटर की वजह से। तो प्लीज़ ये एक बहुत ही हसास मामला होता है, जैसे ही आप सोने लगे तो हीटर गैस जो लीकेज वगैरह होती है गैस की वो चेक करके तब आप सोएं। इससे पहले कि आपको कोई नुकसान उठाना पड़े तो आप प्लीज़ अपनी अपनी फैमिली का भी अपनी ज़िंदगी का भी अब बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खैर, आप इस बारे में क्या कहेंगे, हमें अपनी राय का इजहार कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन।